हेलो दोस्तों, त्रेक परमेश्वर की ओर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं यीशु ही मार्ग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने पिछली वीडियो में हमारा सहयोग दिया। आज हम एक नए वचन के साथ आपके बीच में आए हैं। आज हम देखेंगे कि दो व्यक्तियों के जीवन में किस तरीके से प्रभु ने काम किया और उनकी नज़रें कहाँ थी। आज का जो हमारा वचन है, आज की जो बातें हैं, हमारी नज़रें परमेश्वर की ओर है या संसार की ओर है, ये हमें देखने की जरूरत है। हम दो व्यक्तियों के जीवन को देखेंगे। आइए हम वचन निकालते हैं मत्ती 14:27। इससे पहले की घटना आप जानते हो कि यीशु पानी पे चला, पर हम यहाँ पर एक पतरस के जीवन से सीखेंगे पतरस का चलना बोलना क्या था। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मुझे बचा। दोस्तों, आप देखते हैं कि यीशु मसीह की ओर उसकी जब तक नजरें थी और देखता रहा और आज्ञा पाई। यीशु मसीह जब तक उसे समझ नहीं आ रहे थे, पानी पे चल रहे थे, वो देखने लगा कि ये कौन है जो सामने से चलकर आ रहा है। और जब यीशु ने उनसे बातें करी, उनके मन में जो भय आ रहा था, यीशु मसीह ने उनसे बातें करी तो यीशु मसीह ने बोला कि ढांढस बांधो, मैं हूँ। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ समुंदर जो संसार को दर्शाता है, वो नाव जो हमारे जीवन को दर्शाती है, बहुत सारी लहरें हमें घेरेगी, डुबाने की कोशिश करेंगी। हालेलुया। पर यदि हमारी नज़रें यीशु मसीह की ओर है तो परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उससे कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह सामने है और यीशु मसीह को देखकर वो जैसे ही पानी में कदम रखा चलने लगा धीरे धीरे और उसकी नजर जैसे यीशु मसीह की ओर से हटी, हवा की ओर गई, लहरों की ओर गई, वो क्या हुआ, समुंदर ने, संसार ने उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। हालेलुया। यदि हमारी नजरें परमेश्वर की ओर नहीं है तो संसार हमें डुबा लेगा, अपनी उपस्थिति में, अपनी गहराई में संसार हमें ले लेगा। हालेलुया। और वो लहरें, वो परिस्थिति, वो चाहे विपत्ति कोई भी क्यों ना हो, यदि उस समय पर हमारी नज़रें यीशु मसीह की ओर नहीं है तो हम डूब जाएंगे, हम खो जाएंगे इस संसार में, यदि अगर हमारी नज़रें यीशु मसीह की ओर नहीं है। पर इस उपस्थिति में हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में घटी कमी आती है, पर ऐसे चलते हुए यदि हमारे जीवन में आती है और ऐसे हालात में भी अगर हमने यीशु मसीह को नहीं पुकारा तो कौन हाथ हमारा थामेगा। हालेलुया। यदि कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें पुकारने की जरूरत है, यीशु मसीह को याद करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जो पानी पे चलकर आया, मैं बताना चाहूंगा, हम इस अध्याय में कोई भी मनुष्य, पूरी दुनिया में कोई भी मनुष्य पानी पे नहीं चल पाया, केवल दो ही, पतरस और यूहन्ना, पतरस और यीशु मसीह, केवल दो ही है जो चल पाए हैं, यीशु मसीह और पतरस। हालेलुया। और यहाँ पर इस अध्याय में देखते हैं कि यीशु का पानी पे चलना एक अलग ताई को दिखाता है। क्या दिखाता है? कि वो केवल मनुष्य नहीं, क्या है, परमेश्वर का पुत्र भी है। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति की ओर हम नज़र करेंगे जो काफ़ी फेमस है और एक चुना हुआ जन प्रेरितों में है। हम देखते हैं प्रेरितों का काम, उसका प्रेरितों
सात अध्याय से हम देखते हैं, सात से हम देखेंगे 54। यह बातें सुनकर वह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। अतः उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वह स्तुफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को घृण कर। हालेलुया। फिर घुटने टेक कर ऊंचे सबसे पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगाना, और यह कहकर वह सो गया। हालेलुया। दोस्तों, मैंने ये पूरा वचन इसलिए पढ़ा ताकि मैं जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है बताने के लिए मैं बता सकूं। यहाँ पर जब हमने इससे पहले देखा, पतरस की नज़र कहाँ पर हुई? जब तक यीशु मसीह की ओर थी वो डूबा नहीं, जैसे ही लहरों की ओर हुई संसार ने यानी समुंदर ने उसे अपनी उस गहराई में लेना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो डूबा नहीं लेकिन परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। यहाँ पर हम स्तुफनुस का देखते हैं, जब पथराव करने के लिए उसको लेके जा रहे थे, हालेलुया, दांत पीसने लगे, तो यहां लिखा हुआ है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? लोग सामने खड़े हुए हैं, लोग सामने पथराव करने के लिए खड़े हुए हैं, और वो कहां देख रहा है? स्वर्ग की ओर देख रहा है। वो देख रहा है कि परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखे दोस्तों, यदि हमारी नजरें परमेश्वर की ओर है, हमारा देखना परमेश्वर की ओर है, उनका दांत पीसना, उनके कपड़े फाड़ना, उनके पथराव करना हमें छू नहीं पाएगी। हालेलुया। यदि स्तुफनुस की नजरें, हालेलुया, स्तुफनुस की नजरें वो उन पत्थर मारने वालों की तरफ होती, उनके दांत पीसने की तरफ होती या उनके बोलने की तरफ होती, तो परमेश्वर को नहीं देख पाता, यीशु मसीह को दाहिनी ओर बैठे नहीं देख पाता, वो स्वर्ग में उठा लिया नहीं जाता। हालेलुया। आज हमारी नजरें कहां पर है? हालेलुया। ओ पतरस के समान, ओ हालेलुया, लहरों की तरफ है या परमेश्वर की ओर है? हालेलुया। ओ पतरस के समान उस संसार की ओर है या यीशु मसीह की ओर है? हालेलुया। ओ स्तुफनुस के समान, हालेलुया, उन दांत पीसने वालों की तरफ है? हालेलुया। या हालेलुया, यीशु की ओर है? हालेलुया। यदि यीशु की ओर है तो प्रभु का वचन हमें कहता है, मत डर। ओ यीशु मसीह ने पतरस को हाथ पकड़ कर निकाल लिया, प्रभु आज हमें भी निकालेगा। हालेलुया। स्तुफनुस को, हालेलुया, वो जीवित उठा लिया। हालेलुया। वो शरीर उसका वहीं पर है, पर परमेश्वर की ओर वो, हालेलुया, देखता है कि परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, मुझे ग्रहण कर। हालेलुया। 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 मर जाना या मरना बड़ी बात नहीं है, आप मर कर कहां जा रहे हो ये सोचना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और ये जीवित रहकर, जीवित चलते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। 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 हम देखते हैं स्तुफनुस ने कैसे परमेश्वर की ओर देखा, उनकी ओर देखता जो यहूदी लोग दांत पीस रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े लोग समझते हैं, उनकी ओर देखता तो स्तुफनुस, हालेलुया, गिर जाता। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के दर्शन को उन आँखों से देख नहीं पाता। हालेलुया। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके कोई भी कलीसिया के हो या कोई भी जन क्यों ना हो, आपके ऊपर दांत पीसे। हालेलुया। हो सकता है आपके ऊपर पथराव करे, हो सकता है आपको मारने के लिए आए, पर आपकी नजरें प्रभु की ओर है। हालेलुया।
तो परमेश्वर आपको बचाएगा, हालेलुया, आपको उठाएगा, हालेलुया, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं हालेलुया इन वचनों के लिए। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, अचानक से लाइट चली गई, और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई है, और मेरी प्रार्थना है कि इस संदेश को आप लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए, हालेलुया, और जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भले ही लाइक ना करें कोई दिक्कत नहीं है, पर शेयर जरूर करें ताकि लोगों की आशीष लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।